नमस्ते, मैं हूँ स्वीकार। और जैसा कि आप सबको प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी मैं डाला करूंगा, तो आज इस हफ्ते मैं फिर दोबारा से अपनी उस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ आपके बीच हूँ। तो आज की जो कहानी है, एक छोटा सा ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ माँ, हमारी कमर पे ये ऐसा स्लोप क्यों बना होता है। तो माँ ने कहा कि बेटे, हम रेगिस्तान के राजा हैं, हम यहाँ पे राज करते हैं, और भगवान ने हमें ऐसा इसलिए बनाया ताकि लोगों को पता चले कि हम यहाँ पे राज करते हैं। बच्चा मन में बड़ा खुश हुआ और उसने माँ से थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि माँ माँ, हमारी ये जो पूंछ होती है ये इतनी छोटी सी क्यों होती है और इतनी ऊंचाई पे क्यों होती है। तो माँ ने फिर से जवाब दिया कि बेटे, हम रेगिस्तान के राजा हैं, हम यहाँ पे राज करते हैं, और भगवान ने हमें ऐसा इसलिए बनाया ताकि लोगों को पता चले कि हम यहाँ पे राज करते हैं। बच्चा फिर से खुश हुआ और बच्चे ने फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर माँ से एक सवाल किया कि माँ माँ, हमारे ये पैरों में ये ऐसे गद्दे क्यों लगे होते हैं। माँ ने कहा कि बेटे, हम रेगिस्तान के राजा हैं, हम यहाँ पे राज करते हैं, भगवान ने हमें ऐसा इसलिए बनाया ताकि लोगों को पता चले कि हम यहाँ पे राज करते हैं। बच्चा अब की बार भी खुश हुआ और खुश होने के बाद अब की बार बच्चे ने थोड़ी देर बाद माँ से पूछा कि माँ, हम रेगिस्तान के राजा हैं, हम यहाँ पे राज करते हैं, और भगवान ने हमें ऐसा इसलिए बनाया ताकि लोगों को पता चले कि हम यहाँ पे राज करते हैं, तो फिर हम यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। तो ये कोई चुटकला नहीं, कोई बात नहीं, एक छोटी सी कहानी है जिससे अगर सीखा जाए तो सीखा जा सकता है। हम सारी दुनिया के लोग जितने भी हैं, मैक्सिमम देखो, कुछ लोग तो होते हैं जो पहचान लेते हैं कि हम सच में रेगिस्तान के राजा हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते और वो यही सोचते रह जाते हैं कि यार, हमें तो बातें अंदर मन में तो बहुत करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। हर इंसान, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी जब बाथरूम में नहा रहा होता है ना, तो नहाते वक्त मन में सोचता है कि यार, मैं हूं तो बहुत कुछ, वही रेगिस्तान के राजा है, यहाँ पे राज करते हैं, सोचता बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल में जब उसको अमली जामा पहनाने की बात आती है ना, तब सब रुक जाते हैं। उसको एक्चुअल में रियलाइज नहीं कर पाते अपनी जिंदगी के अंदर के जो मैं हूं, मुझे वो करना भी तो है। तो आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं इस छोटी सी कहानी के, कि सिर्फ मन में ना कहो। और फिर मुझे किसी ने एक बात ये भी पूछी थी, जब मैंने पिछली वीडियो डाली तो किसी ने पूछा कि भैया, मुझे तो ना अपनी जिंदगी के अंदर ये फलां फलां कुछ बनना था, और लेकिन डर लगता है जो आज अपने पास है वो खो जाएगा तो क्या करेंगे। तो इसमें एक बड़ा सुंदर सा शेर किसी ने कहा है कि दिल में जुर्रत ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में जुर्रत ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती, और यूं खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। तो ये सच्ची बात है कि दिल के अंदर अगर जुर्रत नहीं होगी ना, तो और अगर रिस्क लेके, तो किसी वो शेर सुना ना मुगले आजम का, वो शेर है कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तो जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तो उस दिन क्या कहेंगे भगवान से कि हम क्या करके आए। तो ये जिंदगी बड़ी सुंदर है, आप सबके अंदर कुछ ना कुछ है। मैंने कोशिश की है कि अपनी ये छोटी छोटी बातें बताकर आपको जगाने की कोशिश करूं। तो जाग जाओ, और जैसा कि मैंने कहा कि किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर हम भी देखेंगे। और आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंकफुल हूँ। आप सबके अंदर बैठे भगवान को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और YouTube के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू।